हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब। फाइनली मुझे एक फीमेल पार्टनर मिल गई है हेयर शेव करवाने के लिए, और अब की बार मैं अपना 12th हेयर शेव करवाने जा रही हूँ। और जैसे आप सब ने बोला था, बहुत ही डिफरेंट और साड़ी की अटायर में। आप मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताना कि ये कैसा लगा, और इसकी तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और समैंथा, आप कितने एक्साइटेड हैं अपने हेयर शेव के लिए? डर लग रहा है मुझे। उसको डर लग रहा है कि न जाने उसके साथ क्या होने वाला है। वैसे इसके काफी लंबे लंबे बाल हैं, आप देख सकते हैं पीछे इतनी मस्त जुड़ी बनी हुई है। तो देखते हैं आज इसका क्या होने वाला है, चलते हैं। समैंथा ने ये साड़ी, हम दोनों ने ये साड़ी 15 दिन पहले बनवाई थी शूटिंग के लिए, और समैंथा को आज ये साड़ी कैसी लग रही है? समैंथा आप बताएं। बहुत ही मतलब टाइट। मेरे को तो दिक्कत हो रही थी पहनने में, अब मेरे को ऐसे लग रहा है किसी ने मुझे दबा दिया है। और फट तो नहीं जाएगी? अब लग तो रहा है कि जैसे मैं बैठने वाली थी ना, तो ये फट जाएगी पीछे। और मैं तो 15 दिन से फास्टिंग कर रही हूँ, मुझे तो ये साड़ी और ज्यादा लूज लूज, और ब्लाउज देख यहाँ से इतना ज्यादा लूज लूज लग रहा है, बिल्कुल फिटिंग का बनाया था, बहुत ज्यादा लूज लूज हो चुका है ऑलरेडी। हम बड़ी देर से डिसाइड कर रहे थे कि अब की बार कहाँ हेड शेव करवाएं, कहाँ हेड शेव करवाएं। तो अब सोचा कि जो रास्ते में पहला है बार बार आएगा, जो हेड शेव करेगा वहीं पर ही जाकर हम हेड शेव करवाने वाले हैं। तो समैंथा और मैं ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि किसका मौका है, किसकी किस्मत खुली है जो समैंथा का हेड शेव करने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे इतने लंबे लंबे बाल। तो रास्ते में सबसे पहली दुकान हमारे को ये मिली है, इस पर जाकर पूछते हैं कि वो लड़कियों के बाल काटेंगे भी कि नहीं, हेड शेव करेंगे कि नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। बिल्कुल, आप लोग कितने एक्साइटेड हो मेरे बाल कटे हुए देखने में। भैया हेड शेव हो जाएगा? गंजा करोगे आप हमें? हाँ ठीक है। भैया आपने कभी किसी लड़की को गंजा करा है? नॉर्मली जब बच्चा छोटा होता है। अच्छा, हाँ वैसे लड़की हो या लड़का हो। हाँ तो हमारा तो भैया बोल रहे हैं कि उन्होंने छोटे बच्चों को गंजा करा हुआ है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और अब की बार मैं आपको दिखाती हूँ कि समैंथा के कितने लंबे लंबे बाल हैं, और समैंथा का कैसे हेड शेव बना। समैंथा खोलो। तो ये है समैंथा के लंबे लंबे बाल जो अभी जाने वाले हैं। तो समैंथा तेरे को कैसा लग रहा है? पता नहीं, घबराहट हो रही है। मेरे बाल मेरे लटे जाने वाली है, तो मैं अभी से थोड़ा स्टाइल मार लूँ। तो ये हूँ मैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये है समैंथा जिसको बहुत ही अच्छा जल्द लगने वाला है। वैसे इतने लंबे बाल संभालने में कितनी दिक्कत होती होगी ना, है ना? अच्छा, तो जैसे कि अभी आप इधर देख सकते हैं कि भैया अभी बिजी हैं, भैया जब फ्री होंगे तब हमारा नंबर आने वाला है। तो इतने मैं ही समैंथा का काम करना चालू करती हूँ, श्री गणेश तो मैं कर ही देती हूँ, नीचे से तो कैंची से मैं चालू कर ही सकती हूँ, राइट? ठीक है, तो समैंथा आप बैठे इस कुर्सी पर आ जाएगी तू? वो भी बिगेस्ट सवाल है कि मैं इस कुर्सी पर आऊँगी भी या नहीं। नहीं आ पाएगी ना, मैं मुझसे नहीं बैठे मेरे कपड़े ना फट जाऊं। तो इस कुर्सी पर समैंथा नहीं आ पाएगी, समैंथा के लिए अलग से स्टूल लगवाते जिस पर समैंथा आ पाए। हाँ। तो ये स्टूल पर बैठ जाओ, आराम, थोड़ा स्लो स्लो बैठ। चलो लाओ भैया कैंची, हाँ रबर बैंड लगा कर काट देते हैं। नहीं। तो फिर फाइनली पहले मेरा हेड शेव होने वाला है, उसके बाद समैंथा का होगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी लुक कैसी लग रही है। बैठ जाए। मेरे तो पास में कुर्सी में काफ़ी जगह बची है। मेरी नहीं बची थी। और अब की बार मुझे हेड शेव करवाए हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं, क्योंकि ये कलर करवाया था तो काफ़ी टाइम हो गया हेड शेव करवाए हुए, और बहुत ही मैं इस फीलिंग को मिस कर रही थी। और भैया अब की बार ना आपको सिर्फ पानी ही लगाना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं लगा सकते। स्मेल तो देखती जाती है, साथ ये सब कुछ ही होने वाला है अभी। ठीक है भैया, खाली ना पानी लगाना और कुछ भी मत लगाना। हाँ नहीं, बाद में भी ना कोई क्रीम व्रीम नहीं लगानी, खाली पानी लगाने के लिए ना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैंने 14 दिन से खाना नहीं खाया है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी केमिकल वेमिकल कुछ भी लगाओगे ना, तो वो मेरी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पानी ही यूज़ करना है आपको। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आपको लग रहा है कि ऐसे हमने मैंने भी और सुमित ने 14 दिन से कुछ नहीं खाया और हम जिंदा हैं, ऐसा लग रहा है आपको? एक महीना खाना खा के जिंदा रहते हैं आप तो 40 दिन से हुआ खाली। एक महीना?
ये देखो इनसे भी आप कुछ सीख सकते हो। आपके सामने ऐसे किसी से मिले आप जिन्होंने एक महीने तक खाना ना खाया हो? कौन साधु संत? ओ माई गॉड, देखो इन भैया को भी कितनी ज्यादा नॉलेज है। क्या साधु संत किसी को जानते हो आप बताओ? बहुत ही बढ़िया। और अब मेरा हेड शेव होना चालू हो चुका है और वो फुल स्पीड में हो रहा है, और अब की बार पता नहीं मैं कैसी लगूंगी। बहुत दिनों उसके बाद ये वाली फीलिंग आ रही है। और समंथा को देखो जरा क्या हो रहा है उसमें, उसको भी दिखाना। ये गए बेचारे मेरे रंग बिरंगे बाल जो मैंने इतने महंगे करवाए थे। और अभी समंथा की बारी आने वाली है। कैसी फीलिंग आ रही है आपको मैम? मेरे को तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बहुत दिनों के बाद बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ठंडक मिल रही है, बिल्कुल ठंडक मिल रही है बिल्कुल। तेरे को कैसे पता चल रहा है? ऑब्वियसली मैं तो मतलब सोच ही रही हूँ कि मेरे बाल भी नहीं होंगे तो पसीना कहाँ से आएगा। तो समंथा अब तू बस पसीना तेरे को आने नहीं वाला कभी भी। और लाइफ में एक बार कराकर तो देखो यार, कराकर तो देखो, एक्सपीरियंस तो करो। नारी की सुंदरता सिर्फ उसके बालों में ही नहीं होती, सच में। आज तो समंथा तू दिल बनाकर करा ही ले, जो तूने सोचा है ना आज तो वो तू उठा ही ले। और आज तो तू अपना काम पूरा कर रहे तमाम, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये मेरे वाली फीलिंग तेरे को भी मिले, तू भी एक्सपीरियंस करे कि कितना ज़्यादा मज़ा आता है। ओह, कईयों ने मैसेज कर बोला है कि मैं ऐसे चैमिलियन वाले या ऐसे वाले आधे वाले ऐसे वाले कर लूँ, तो देख लो अभी हो गई है वो वाली लुक, ठीक है। अब मैसेज मत कर बताना। ये देखें, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे कमरे तक है, मेरे कमर तक है। और जब तेरे ये बाल नहीं रहेंगे ना, कम से कम तेरा 7-8-10 किलो तो वेट कम यूं ही हो जाएगा। आज तक मैंने कभी ये रंग बिरंगे बाल उतरते हुए नहीं देखे थे। ओह, मेरे अंदर गिर रहे हैं। ओह माय गॉड, ठंडक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। सच बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है, मैं तो मिस कर रही थी। ओ इतने लंबे बाल हो गए थे अब की बार तो, कंघी करना पड़ रहा था, संभालना पड़ रहा था। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपने मेरे अगर पहले वाले वीडियोस देखे हों कि मेरे स्कैल्प पर निशान थे, क्योंकि पहले मैंने कलर करवाया था, न जाने कौन कौन से केमिकल्स लगवाए थे। अब मेरा स्कैल्प बिल्कुल सही हो चुका है ना सुमित? और भैया की तो स्पीड बड़ी ज़्यादा है, नॉन स्टॉप करे जा रहे फटाफट फटाफट। सर अच्छा है? हाँ। सर खराब कैसे होता है भैया? सर आपके एकदम राउंड में है ना? अच्छा, राउंड शेप में है आपका सर। किसी का थोड़ा चौड़ा होता है, किसी का आंकड़ा होता है। आंकड़ा? अच्छा, तो मेरा सर बढ़िया है। सर अच्छा है आपका? या हेड शेप कराते कराते बढ़िया हो गया? नहीं नहीं, सर आपका अच्छा है, राउंड शेप में है। यार मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। मैं वैसी लग रही हूँ कैसी? किसी मंदिर में बैठकर जैसे कराते हैं वाली। Yes. अभी दोबारा से नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। कब? अभी। अच्छा अभी दोबारा से क्यों करते हैं, एक बात बताओ। आपको यदि चाहिए तो कैसा लग रहा है समंथा? खाली खाली कैसे लग रहे सुमित? और आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। भैया ये जो दोबारा करते हैं ये क्यों करते हैं? नॉर्मली कुछ बाल कहीं रह ना गए हों, कुछ भी है अगर तो सेकंड टाइम बराबर हो जाते हैं, थोड़ा शाइनिंग भी हो जाता है। कभी कभी कोई कोई इतनी ज्यादा क्रीम लगाकर भी करता है। अच्छा एक ही बात है वैसे? तो नॉर्मली है, बाल निकालना है तो आप फोम लगाओ, विदाउट फोम से निकालो तो होना ही है। आज मैं भी सुमित की तरह आंखें बंद कर बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रही हूँ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है।
कितना अच्छा लग रहा है, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोबारा बैठना पड़ेगा मुझे, दोबारा इस चेयर पे बैठना पड़ेगा मुझे। चलो आप समेंथा की बारी है। मैं घुस नहीं रही हूँ इसमें। ठीक है, अब भैया इसको ना बांधना पड़ेगा कुर्सी से। ठीक है आप समेंथा, तेरा हेड शेप के बारे में क्या इरादा है? बहुत ही बड़ा इरादा है मेरा। क्या इरादा है? तो फिर करें तेरा हेड शेप। अब नो शैम्पू, नो पसीना। तो अभी समेंथा मेंटली प्रिपेयर नहीं है अपना हेड शेप करवाने के लिए, लेकिन बहुत जल्द मैं इसको मेंटली प्रिपेयर कर सकती हूँ। मतलब इसकी मर्जी है, अगर ये एक्सपीरियंस कर देखना चाहती है कि कैसा लगता है बिना बालों के, तो ये हेड शेप करवाएगी। अभी थोड़ा सा इसके बारे में सोच रही है, और जब मेंटली प्रिपेयर करेगी तो समेंथा और मैं दोबारा से हेड शेप करने जरूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मेरे हेड शेप के वीडियो में, जो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और अब की बार मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारी फीमेल्स के भी, कि आपको मेरे साथ हेड शेप करवाना है। अगर आपको मेरे साथ हेड शेप करवाना है तो हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे अपना मैसेज करिए। तो भैया ये लो पैसे, और फिर हम मिलते हैं दोबारा से। ठीक, वेलकम। थोड़े दिनों में तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने हेड शेप बिल्कुल भी नहीं कराया है, मेरे में इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई। तो अब मेरा मस्त हेड शेप हो चुका है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ओह माय गॉड, एसी की हवा भी फील होने लग गई है। और समेंथा ने नहीं करवाया, समेंथा ने सारा का सारा फन मिस कर दिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस ये थोड़ी सी नोज पिन चुभ रही है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं। तुझे कैसा लग रहा है समेंथा मुझे देखकर? बोल, स्पीचलेस हो गई है शायद। मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं आजाद हो गई है। कहीं से लड़के आई है, आजाद हो गई है। कितने दिनों से मैम बोली जा रही थी कि कितने खराब हो रहे हैं, कितने खराब हो रहे हैं बाल, सेट ही नहीं हो रहे, सेट ही नहीं हो रहे। तो अब तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेट ही सेट है। अब तो बाल ही नहीं है तो सेट ही सेट है, सेट भी करने की जरूरत नहीं है। अब तो बाल सेट ही सेट है, कॉम करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी गीले वीले नहीं करने, बाल ही सेट ऑलवेज सेट।